अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप? मैं हूँ साइमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद व्लॉग। दिन का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नमाज़ पुराने पाक वगैरह पढ़ लिया और यहाँ पर मैंने दूर चुका है बॉई होने के लिए, क्योंकि आज बच्चों को जाना है स्कूल। मंडे स्टार्ट है तो वीकेंड शुरू, सॉरी हफ्ते का दिन शुरू हो चुका है, तो आज से बच्चे रेगुलर स्कूल जाएँगे। तो ज़ारा नमाज़ पढ़ती ना, अभी लेटर में दिखाती हूँ, और ये ज़ारा नमाज़ पढ़ के गिर चुकी है। ठीक है, अभी बच्चों के लिए मुझे नाश्ता बनाना है। बच्चे तकरीबन 7:15 बजे तक स्कूल से चले जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे। तो बस कुछ दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया था, और क्योंकि मेरी तबीयत जो ख़राब थी ना, वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है। तो प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, ताकि मैं रूटीन में आ सकूँ और मैं फिर अच्छे व्लॉग भी बना सकूँ और अपने बच्चों की केयर भी कर सकूँ। कोई घर में कुछ भी नहीं आजकल हो रहा था तबीयत ख़राब की वजह से, तो प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद किया रखा कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर इस वक्त आ गया है, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों में कीजिएगा शेयर। मैं आज की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अभी बच्चे जब उठते हैं तो मैं इनके लिए बनाऊँगी नाश्ता, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। जी तो वेलकम बैक टू गाइस। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, सॉरी मैं बच्चों से मिलवाना बिल्कुल भूल गई, जल्दी जल्दी में कुछ मुझे याद नहीं रहा, सॉरी। और यहाँ पर बच्चे जा चुके हैं, मैं घर की देखें सफाई कर चुकी हूँ, घर का काम मैंने सारा कर लिया, और यहाँ पर मैंने किया हुआ टीवी ऑन और मैं देख रही हूँ पाकिस्तानी ज़बरदस्त ड्रामा। और यहाँ पर साथ साथ कर रही हूँ कपड़े प्रेस बच्चों के, ताकि बच्चे जब स्कूल से आएँ तो नहा के जल्दी से फ्रेश हो जाएँ। और यहाँ पर मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, तो कपड़े इस्त्री करती जा रही हूँ, और मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। मज़ीद में दोपहर के खाने में क्या बनाती हूँ, क्या करती हूँ, आपको ज़रूर सब कुछ दिखाऊँगी। तो रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, और मेरा ब्लॉग ज़रूर पूरा वॉच किया कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। और गाइस आपसे एक बात कहने की कि आजकल पाकिस्तान में जो फ्लड आया हुआ है, प्लीज़ आपसे जो बनता है आप उनकी हेल्प कीजिए, और क्या कहते हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फरमाए, बारिश ख़त्म कर दे, सैलाब ख़त्म कर दे, ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। और बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम पर रहम करे। अल्लाह ताला हमसे बहुत नाराज़ हैं, आप प्लीज़ आप दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दे, हम इतना बोझ नहीं उठा पा रहे, हम नहीं इतनी ज़्यादा हम लोगों में बर्दाश्त कि अल्लाह ताला के इस कहर को हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। प्लीज़ आप दुआ किया कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको माफ़ कर दे और हम सबसे राज़ी हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मिलूँगी थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय। जी तो वेलकम बैक गाइस, असद आ चुका है स्कूल से और ज़ारा भी आने वाली है। ज़ारा यहाँ ये देखें असद फ्रेश होकर खाना खा के यहाँ पर बैठा हुआ। क्या कर रही है सर, क्या खेल रहे हो? ये देखिए शॉपनर से खेलता रहता है, इस पर कितने ज़्यादा शॉपनर्स होते हैं, ये बस पैसों के शॉपनर्स लगता है और खेलता रहता है। असद कोई पोएम तो सुनाओ ना आज, चलो सुनाओ जो आपको अच्छी लगती है। और कौन सी आती है? चले जी असद की आज पोइम सुनने चले जी, आप भी क्लैपिंग करते हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा असद की इस प्यारी प्यारी सी पोइम्स को। ठीक है अभी ज़ारा आती तो आपको मिलवाते हैं ज़ारा से। जी तो व्यूअर्स यहाँ हो चुकी थी बारिश, बच्चे जा चुके थे ट्यूशन, मुझे जल्दी जल्दी इन्हें भेजना पड़ा क्योंकि बारिश हल्की शुरू हो चुकी थी बच्चे के आने तक। लेकिन इस वक्त बच्चे जैसे ही पहुँचे ट्यूशन, बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा तेज़। मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा पीछे होकर मेरा मोबाइल नहीं गीला हो जाए। तो ये देखिए इतनी तेज़ बारिश थी, इतना ज़्यादा बारिश का शोर था, इसलिए मुझे वो आवाज़ म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ा, वरना बहुत प्यारी बारिश की आवाज़ थी। लेकिन बारिश की आवाज़ में आपको मेरी आवाज़ नहीं आती है, मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आई हूँ। तो देखिए ज़रा गैरेज का हाल दिखाती हूँ, ये देखें इतनी तेज़
बारिश है, ऊपर वालों की हमारे मालिक मकानों की बाइक खड़ी हुई है। तो ये देखें गैरेज का हाल भी कितना, तो ये देखें। और मैं धो रही थी आज कपड़े, बहुत बिजी थी। ये देखें घर में कपड़े मैं धोए हैं, वहीं पे सुखाए हैं, वहीं पे ये देखें सब कुछ पड़ा हुआ, क्योंकि मैं कपड़े भी धो रही थी। ये मैं थी मेरी आज की वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।